अब्दुल्ला इब्ने अमर रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, आकर सलातुसलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजी बाप की नाराजी में है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा खुदा मुझसे राजी है या नहीं राजी, तो देखो क्या तुमने अपने बाप को राजी किया है, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक किया है। अगर तुम्हारा वालिद तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लो कि अर्श का मालिक भी तुमसे राजी है, और अगर बूढ़ा बाप जिसने बड़ी मेहनतों से तुम्हें पाला पोसा, अपने आराम को तज किया, अपने सुकून को बर्बाद किया, किस लिए? अपने बेटे के लिए, कि मेरे बेटे की ख्वाहिशें पूरी हों, मेरे बेटे के शौक पूरे हों, उसे खिलौने ला के दूँ, उसे जमाने की सारी नेमतें, मैं जितनी भी चाहे मेहनत करूँ, मुझे जद्दोजहद करनी पड़े, मैं ला के अपने बेटे की झोली में डाल दूँ। अगर वो बाप नाराज है तो समझ लीजिए फिर अर्श का मालिक भी नाराज है, फिर रब भी नाराज है। रब तब राजी होता है जब बंदा अपने बाप को राजी करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अपने बाप की खिदमत करता है, अपने बाप के साथ उसने सलूक और भलाई अच्छाई करता है, वो हकीकत में खुदा की इताअत करता है, वो अल्लाह का मुती है जो बाप को उठा के चलने वाला हो, जो बाप की ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला हो, जो बाप के लिए कमाई ला के उसके कदमों में निछावर करने वाला हो, तो वो हकीकत में अल्लाह का इताअत गुजार बंदा बनता है। खिदमत बाप की होती है और राजी अर्श का मालिक हो जाता है।